दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले कि हम जो CBSE के जो पुराने पेपर्स और आपका जो जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो किस प्रकार से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप बोर्ड क्लास 10th 12th में पढ़ते हो या उधर किसी भी क्लास में, या ये जो जिस चीज़ पर आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर आपको KG 1 से लेकर तो 12th तक आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको खास करके यहाँ पर नोट्स और जो यूनिट टेस्ट होते हैं सबसे मेन, और यहाँ पर जो 10 साल के आपके पुराने पेपर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और सभी जो पेपर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आपको कैसे डाउनलोड करना, चलिए मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ठीक है, कहीं पर भी आप इसे मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो सिंपली आपको जो है गूगल ओपन कर लेना, गूगल पर ओपन करते आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है जो काफ़ी सिंपल है। आपको देखिए CBSE बोर्ड ऑनलाइन .com, ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा नाम है, आप इसे याद रख सकते हैं CBSE बोर्ड ऑनलाइन .com। और अगर आप नहीं करना चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दी, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जो है विजिट कर सकते हैं। जब आप इस चीज़ को सर्च कर लेते हैं तो आपके सामने देखिए फर्स्ट ही वेबसाइट खुलकर आ जाएगी CBSE बोर्ड की, ठीक है। तो आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है, एक प्राइवेट वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है, बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है सभी चीज़ें आपको जेन्युइन मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने देखिए यहाँ पर देखिए कोने में यहाँ पर कक्षाएं सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, देखिए CBSE बोर्ड क्लास, और यहाँ पर देखिए आपको कक्षाएं दी जा रही है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी कक्षा के यहाँ पर चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर कक्षा सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ, और जूम आउट करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर जो है इसे 12th जो है क्लिक करता हूँ, ठीक है। 12th पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है मुझे CBSE क्लास 12th स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे ऑप्शन है, फाइनल एग्जाम पेपर, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, SA1, FA, ठीक है, 2, FA2, ठीक है। यहाँ पर यूनिट टेस्ट देखिए, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, 3, और यहाँ पर नोट्स, और यहाँ पर आपको सिलेबस के लिए सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे अगर मुझे यूनिट टेस्ट 1 चाहिए तो मैं यूनिट टेस्ट 1 पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए मुझे दिखा रहा है यूनिट टेस्ट 1 2016 के, ठीक है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद जो है मुझे सीधा डाउनलोड पेज पर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने यहाँ पर देखिए मुझे दिखा रहा है डाउनलोड CBSE क्लास 12th यूनिट 1 अकाउंट्स, ठीक है, ये मुझे कॉमर्स का डाउनलोड करने का बोल रहा है 2016 का। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे सीधा ही यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, काफ़ी सिंपल सा इसका इंटरफेस है। तो चलिए हम और कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, और कुछ हमें यहाँ से अगर डाउनलोड करना हो तो, ठीक है, इस बार मैं जो क्लास चेंज करता हूँ और आपको दूसरी क्लास का बताता हूँ, ठीक है। मैं सबसे ऊपर इस वेबसाइट के चला जाऊँगा, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने अभी 12th चेंज पर क्लिक किया था, अभी हम 10th पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और 10th पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें वापस दिखा रहा है CBSE क्लास 10th स्टडी मटेरियल। अब मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है इसी का, ठीक है, इसका मुझे डाउनलोड करना है। चलिए फाइनल ईयर फाइनल एग्जाम पेपर हम यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा फाइनल एग्जाम पेपर पर डाउनलोड क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देखिए मुझे दिखा रहा है, ठीक है, फाइनल एग्जाम पेपर। तो चलिए ये 2020 की है, ठीक है, देखिए 2020। तो चलिए मैं इसके भी आपको क्लिक करके बता देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है डाउनलोड CBSE क्लास 10th इंग्लिश, मैंने जिस भी सब्जेक्ट का बताया था। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना ऐसे, तो ये जो है मुझे डाउनलोड का ऑप्शन सीधे ही दे देगा, देखिए मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, आप भी जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, और एक खासियत बात इस वेबसाइट की यह है कि आप जो है जब इस वेबसाइट पर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जो कि आपको जो है इस वेबसाइट पर देना है, या इस वेबसाइट पर वो पेपर उपलब्ध नहीं है और आपके पास पेपर है, तो आप जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर उस पेपर को जो सेंड कर सकते हैं, और सेंड करने के बाद जो अगर वो पेपर इन्हें इन जो वेबसाइट के जो निर्माता है या जो कार्यकर्ता है उनको अगर ये पेपर आपका पसंद आता है तो वह इसके लिए आपको पुरस्कृत कर सकते हैं, और पुरस्कृत की राशि 10 से 20 या 30 रुपये के मध्य में हो सकती है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही, आप किस प्रकार से CBSE का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे, तो ये वेबसाइट है, मैंने आपको जेन्युइन वेबसाइट बता दी, आप यहाँ पे जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।